हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पास्ता की रेसिपी। मतलब मैं कोई मास्टर शेफ़ नहीं हूँ, पर ठीक है कि मैं बना रही थी, आई थॉट आप लोगों के भी साथ शेयर किया जाए। और ये देखो, मैंने कल मेहंदी लगाई थी, लेकिन यहाँ पर जो मेहंदी के कलर वलर नहीं आते। तो हालाँकि पास्ता सबको बनाना आता, पर हर किसी का अपना अपना अलग तरीका होता है। तो मैं सोचा आज मेरे स्टाइल में बनाया गया। तो आप लोगों को क्या चाहिएगा? मिर्ची देखो कितनी बड़ी सारी। टमाटर मेरे पास आधा ही बचा हुआ था, तो ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिएगा लहसुन, प्याज दो, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और चीज़ ऑप्शनल है, अगर है तो ठीक है। लास्ट पास्ता वो तो चाहिएगा ही चाहिएगा, तो हम पास्ता बना रहे हैं, तो शुरू करते हैं। चलो, पानी में हम थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा घी और अपना पास्ता डाल के उसे बॉईल कर लेंगे। थोड़ा सा चला देंगे ताकि हमारा पास्ता चिपके ना एकदम से। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम, चॉपिंग करना। प्याज यार तीखी क्यों होती है? पर हम इंडिया वाले, अपने पास हर एक चीज़ का जुगाड़ है। टंटन, आज तो एक ही बार में खिंच गया, बेइज्जती नहीं करवाई इसने। शॉपिंग हो गई अपनी डन। प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और टमाटर। पास्ता भी हमारा हुआ नहीं है। स्पीड देख रहे हो लड़की की कितनी सही है। मतलब मैंने उससे करा इसलिए जल्दी हो गया, नहीं तो प्याज जान ले लेती। जब तक हमारा पास्ता होता है तब तक हम रील बनाते, इंस्टा की रील। पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और डालेंगे जीरा। नेक्स्ट हमारा लहसुन, सब्जियां तो जितनी मर्जी डाल लो, जो जो आपके पास है सब डाल सकते हैं, पर मुझे अभी इतनी डालनी थी। हम अपनी हरी मिर्च और टमाटर भी डाल देते हैं। दो चीज़ मैं आपको शुरू में बताना भूल गई, थोड़ी सी भुलक्कड़ हुआ मैं। एक तो ये सॉस और ये पास्ता वाला सॉस, पता नहीं तो क्या बोलते हैं, ये तो बहुत ज़रूरी है। अच्छे से भून लेते हैं पहले, उसके बाद हम अपने मसाले डालेंगे। अब बारी है पहले मसालों की। थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने पहले भी डाला है। मिर्ची जो इतनी आपको अच्छी लगे। थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी हल्दी, बस। अच्छा से भून लें। इसमें ना थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था, मसाला भूनने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो हम इसमें डालते हैं ये पास्ता वाला सॉस। ऐसे कुछ कुछ लोग तो एंड में भी डालते हैं, पर मुझे अभी डालने में थोड़ा सही लगता है। जितना आपको अच्छा लगे, कम डालो ज़्यादा डालो आपकी मर्जी। अपनी नेक्स्ट चीज केचप। अरे निकल गया भाई, अंदर ही जगह बना के बैठेगा। मिक्स करेंगे। कलर देखो कितना मस्त लग रहा है, पर ये फोन में थोड़ा लाइट लग रहा है, एक्चुअल में और अच्छा डार्क डार्क लग रहा है। अभी हम डालते हैं अपना पास्ता, जो कि आपस में चिपक गया है। इसमें बहुत भाईचारा है, बस इंसानों में भाईचारा नहीं है, मेरे पास्ते में भी भाईचारा है। बताओ लोग, देखो इतना भाईचारा है, इसे मुझे बहुत मशक्कत के बाद तोड़ फोड़ के निकालना पड़ा। सॉरी, मैंने इनका भाईचारा भंग किया। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। यार अगर ना थोड़ी हिल डुल के आ रही हो तो मैनेज कर लेना, क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है और एक हाथ से मैं इसको बना रहा हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब 2 मिनट के लिए हम इसे देते हैं ढक। 2 मिनट बाद देखते हैं पास्ता के हालचाल। अब इसमें डालते हैं हम चीज़। ये हमने इसमें डाला अपना चीज़ डाल के चलाएंगे नीम से। ढक देते हैं हम इसे और गैस को एकदम सिम पे कर देते हैं। बिल्कुल सिम पे करके इसको 5 मिनट छोड़ देते हैं। एक चीज़ और पूछनी थी, ये वाला कलर मेरे पे अच्छा लग रहा है क्या? पता नहीं, मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं
पास था, एक हाथ से ऐसे पकड़ पकड़ के क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसके पीछे रीजन है क्योंकि सर चल रहे हैं कहीं बिजी। दिखा वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कितना धन्यवाद। और चैलेंज करते हैं एक दूसरे को पबजी में, मुझे आता नहीं खेलना, मैं सिखा दूंगा। लूडो में करना है तो बात कर, तो लूडो भी तो मुझे खेलना नहीं आता पर मैं जीतता हूं ना, वैसे तो भी जीत जाएगी। ओ रहने दे, देख मैंने कितने मारे, इसमें वीआईपी कौन बना है, जल्दी बता मेरी वीडियो के एमवीपी देख, बॉस स्पाइडी मेरा नाम है। बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हां अब आ जा फटाफट, पास्ता रेडी हो गया। चल वो सही लग रहा है, चीज का टेस्ट आ रहा है अच्छा वाला, एकदम बढ़िया। मैं मास्टर शेफ बन सकता हूँ, अच्छा स्पाइसी।